आज का दिन तो बहुत मतलब यार बहुत ही रफ एंड टफ शुरू हुआ। मतलब ऑलमोस्ट रात को हम 1:30 से 2 बजे वापस आए बागा पे। बागा बीच से क्योंकि वापस आने का मन ही नहीं करता। आप लोग जब यहाँ पे आओगे ना आपका भी मन ही नहीं करेगा वापस आने का। तो 1:30-2 बज गए थे वहाँ से वापस आते हुए और अभी ऑलमोस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग 6 बजे उठ गए थे सुबह सुबह। एक बार बताओ गोवा आके सुबह 6 बजे कौन उठता है यार। हाँ भाई मगर उठना पड़ा हमें क्योंकि बिकॉज आज हमें जाना है एक अमेजिंग वाटरफॉल। जी हाँ सही समझ रहे हो, वहीं जाना है हमें दूधसागर वाटरफॉल्स। तो यहाँ से अप्रॉक्स 2 घंटे का रास्ता है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे कैब ड्राइवर से बात करी, होटल वाले भैया से बात करी। उन्होंने बोला कि सुबह जितनी जल्दी पहुँच जाओगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पर लाइनें लग जाती हैं, फिर जितना आप लेट करते जाओगे वहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करने को भी बहुत कम मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन जल्दी उठ लेते हैं, आज तो वापसी आके थोड़ा 2-3 घंटे दोबारा सो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ कि मतलब क्योंकि मैंने सुना था कि आप दूधसागर फॉल जब जाते हो तो वहाँ पे आपको लाइफ जैकेट्स मिलती हैं, वहाँ पे कुछ टिकट कटवानी पड़ती है और सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो आप कैसे जा सकते हो, क्या चार्जेस हैं वहाँ पे, क्या टाइमिंग्स हैं, चलते हैं वहाँ बताता हूँ। और रास्ता बहुत अमेजिंग है, रास्ता भी आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो चलते हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स बाय अमित, एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दूधसागर फॉल्स। मतलब यहां से स्टार्ट होगी हमारे दूधसागर फॉल्स की जर्नी। तो मतलब स्कूटी गाड़ी से आप कभी भी मतलब बीच वगैरह से आते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आपको 80-90 किलोमीटर्स पड़ता है। तो 80 से 90 किलोमीटर आने के बाद रास्ता इतना बढ़िया है ना, मतलब अमेजिंग, आपको पता ही नहीं लगेगा आपका वक्त कब कट गया। मुझे अप्रॉक्स मतलब 1.5 आवर्स लगे, अप्रॉक्स 1.5 to 2 आवर्स इतना ही टाइम लगता है सबको। आप टैक्सी भी रेंट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। टैक्सी का रेंट मतलब 2,500-3,500 रुपये तक होता है। अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो मतलब जो आपका गाड़ी का रेंट है ऊपर से पेट्रोल लगता है आपका। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे इनके अलग चार्जेस होते हैं क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट टैक्सीज जाती हैं। तो गवर्नमेंट टैक्सी जाती है, पता करते हैं उसका रेट क्या है, आगे लाइफ जैकेट वगैरह भी मिलती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, स्टे ट्यून, चेक करते हैं क्या प्राइसेज हैं किस किस चीज़ के। तो गाइज़ अगर अपनी गाड़ी पर आ रहे हैं, अपनी स्कूटी पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट कार पार्किंग भी है। तो स्कूटी की पार्किंग का जो चार्ज है 50 रुपीज़ है। तो कार और स्कूटी दोनों की ही चार्जिंग, दोनों की ही कार पार्किंग का प्राइस 50 रुपीज़ ही है। मतलब आप गाड़ी पार्क करिए या स्कूटी पार्क करिए, दोनों ही 50 हैं। यहाँ पे कार पार्किंग है और इसके सामने वो जो रोड अंदर को जा रही है वहाँ से आपको जो है गवर्नमेंट टैक्सी वगैरह मिलेगी, वो दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये भैया हमें मिले थे, जो मैं कार पार्किंग का बता रहा था ना वो इन्हीं की कार पार्किंग थी। तो भैया से बात करते हैं और पूछते हैं कि मतलब आगे जो दूधसागर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं और मतलब कितना टाइम लगेगा। तो पूछते हैं भैया कितने मतलब कितना टाइम लगता है पहुँचने में। यहाँ से जीप से जाएंगे तो पर पर्सन 500 रुपीज़ है। मतलब अच्छा जीप से जाएंगे पर पर्सन 500 रुपीज़ लगेगा। उसके अलावा लाइफ जैकेट के 40 रुपीज़ है। ओके, और आगे जाके एक रिवर क्रॉस करने के बाद फॉरेस्ट गेट मिलेगी तो वहाँ से आपको 100 रुपये एंट्री है। अच्छा मतलब कि 500 और 100, 600 और 40, टोटल 640 रुपये पर हेड। मतलब पर हेड 640 रुपये लगेंगे जिसमें हमें गाड़ी मिलेगी जो लेके जाएगी हमें, और क्या कहते हैं उसे, लाइफ जैकेट मिलेगी हमें। और वहाँ पे हमें कितना टाइम देंगे वो? 45 मिनट्स टू गो। अच्छा 45 मिनट्स हमें गाड़ी में जाने में लगेगा। ठीक है, और वहाँ पे स्टे कितनी देर तक? 1.5 आवर। मतलब 1.5 घंटा वहाँ रुक सकते हैं और थोड़ा सा एक घंटा एक्स्ट्रा होगा तो 200 रुपये चार्ज लेते हैं। अच्छा अगर हम एक्स्ट्रा रुकेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, वरना 1.5 घंटे तक रुक सकते हैं। तो मतलब गाइज ये हमने देखा, मतलब कि ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि अगर हम दूधसागर फॉल्स आते हैं 1.5 घंटे तक रुकते हैं तो इतना मतलब जो प्राइस उन्होंने लिया है मतलब 500, 100 और 40, टोटल 640 वो ही लगेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर बाई चांस आप रुक गए, आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप 1-1.5 घंटा वहाँ पे और रुक गए तो वो 200 रुपये आपसे और चार्ज करेंगे। तो मतलब अपना टाइम वाइम देख के आप रहिए, वरना अगर आप कैब वाले ड्राइवर से बात कर सकते हैं वो आपको और रुकने दे सकता है तो वो ज़्यादा बेटर है, वरना बेफालतू में 200 रुपये क्यों देने। बाकी चलते हैं अंदर दिखाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। तो गाइज ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको मिलेगी टिकट दूधसागर फॉल्स जाने के लिए। तो मतलब ऐसे लाइन ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी सी ही लोग हैं,
मगर वही बेस्ट रहता है कि आप जितना ज़्यादा जल्दी आ जाएंगे ना वही बेटर रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको गाड़ी मिल जाएगी और जल्दी से जल्दी आप गाड़ी में ट्रैवल करके फटाफट वहाँ पहुँच सकते हैं, वरना जैसे जैसे लेट होता जाएगा ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती ही जाएगी। तो गाइस ये जो भैया खड़े हुए हैं ब्लू ड्रेस में आप देख रहे हो, ये लोग यहाँ पे नंबर बोलते हैं आपको अंदर से, जब स्लिप मिलती है ना जब आप अंदर से पर्ची कटा के आते हैं तो ये ऐसे चिल्ला चिल्ला के मतलब नंबर बुलाते हैं, तो जिस जिसकी गाड़ी का नंबर वो होता है वो बंदे सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सारे क्लब करके जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं ना इन कार्स में जाते हैं। ये पीछे अपनी गाड़ी खड़ी है, टिकट वगैरह तो कुछ लोग कुछ नहीं देते, ये लोग मतलब इन्होंने पैसे लिए 500 रुपये पर हेड लिए और गाड़ी का नंबर बता देते हैं। देखो गाड़ी का नंबर ये लिखा हुआ, ये था हमारी गाड़ी का नंबर, तो यही मुझे टोकन नंबर दिया इन्होंने, बोला आपका नंबर 232 है। तो बस वो ड्राइवर आ गया और ड्राइवर ने बोला कि आप सारे बैठिए और वो लाइफ जैकेट लेके आ रहा है, तो एक एक बंदा हमारे यहाँ से चला गया, मेरे यहाँ से अनिरुद्ध चला गया लेने, तो लाइफ जैकेट लेके आ रहा है और फिर आके मैं उससे पूछता हूँ कि मतलब कितने पैसे दिए लाइफ जैकेट के, अभी तो उन्होंने सिर्फ हमसे 500 रुपये लिए, तो अभी देखते हैं बताता हूँ फिर मैं। गाइस फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं, पूरी गाड़ी मतलब फुल हो गई है, प्रॉपर 7 बंदे लेके जाते हैं लोग, तो 40 रुपये लिए इन्होंने लाइफ जैकेट के और इन्होंने बोला कि आगे फॉरेस्ट का एक चेक पोस्ट आएगा तो उसमें जाके 100 रुपीज़ और लगेंगे, तो मतलब कि 500 रुपये की इन्होंने पर्ची काटी जिसका इन्होंने तो नंबर बता दिया था गाड़ी का, 40 रुपये लाइफ जैकेट के लिए और भैया ने बोला 100 रुपये पर हेड आगे जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लेंगे, और उन्होंने बताया कि 1.5 आवर्स का टाइम देते हैं आपको, ये बाई चांस अगर आप उससे थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो मेरे को बाहर उसने बताए थे पार्किंग वाले ने वो शायद 200 रुपये थे अगर आप लेट होते हो, बाकी देखते हैं चलते हैं आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। तो भाई गाड़ी हो चुकी है हमारी चालू, जा रहे हैं हम दूध सागर की जर्नी पे, भैया लेके जा रहे हैं हमें, भैया का नाम है अनिरुद्ध, एक अनिरुद्ध भैया है और एक अनिरुद्ध हमारे साथ भी है आपको पता ही होगा, तो देखते हैं हम आगे चल के कैसा लगता है, जर्नी दिखाता हूँ आपको पूरी यहाँ से लेकर जहाँ हमने टिकट ली है दूध सागर फॉल्स तक की। जैसे अब आगे लाइन लगी हुई ना सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मतलब स्टक हो चुकी हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं यहाँ पे 8 बजे तक पहुँच जाते तो इतना ट्रैफिक आपको नहीं मिलता, मतलब कि ये वो जो फॉरेस्ट की स्लिप कटनी है उसके लिए सारे खड़े हुए हैं, तो देखते हैं अभी कितनी देर में ट्रैफिक हटता है। गाइस फॉरेस्ट की पर्ची कटवा ली है हमने, वहाँ से हम निकल चुके हैं, काफ़ी मतलब कि जंपिंग जैक वाली रोड है, तो भैया से बात करते हैं, भैया वहाँ बताओ मतलब वहाँ से जो लास्ट गाड़ी आती है अगर कोई बंदा ऐसे गोवा से इस तरफ दूध सागर की तरफ आ रहा है तो लास्ट गाड़ी कितने बजे आती है? हाँ 4 बजे, मतलब 4 बजे तक कोई भी आके दूध सागर जा सकता है, मतलब 4 बजे जाएगा तो उसको आते आते 7 बज जाएंगे, नहीं बाद में आपको 1 आवर मिलेगा। अच्छा 1 आवर मिलेगा, अच्छा अच्छा, अगर 4 बजे आप उधर गेट पर छोड़ेगा हाँ आपको खाली 1 आवर उधर मिलेगा। अच्छा वो वाला रोड बंद मिलेगा? नहीं खाली 1 घंटा मिलेगा। अच्छा खाली 1 घंटा मिलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, मगर उस वक्त तो थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा ना, बहुत इतनी रात को आता ही कौन होगा। अच्छा आते हैं, और गाइस भैया ने एक और मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताई, मतलब एक तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को तो बचाना ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, कोई भी मतलब प्लास्टिक की बॉटल लेके आते हो ना अपने साथ, तो जहाँ पे आपकी फॉरेस्ट की पर्ची कटती है वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी प्लास्टिक वाटर बॉटल्स डू यू हैव, तो आपको ये बताना ही बताना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बॉटल थी, एक पानी की बॉटल एक कोक की बॉटल, तो हमने उन्हें बताया, तो वापसी में आके वो आपसे चेक करते हैं ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कि पी और फेंक दी बॉटल, तो मतलब ये मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा कि मतलब अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सही स्टेप उठा रखा है, तो आप भी हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी आएँ तो मतलब उन्हें बता दो कि हाँ भाई 2 बोतल हैं और वापसी में लेके आओ, फेंको मत,
मतलब ये जो जर्नी है ना पूरी की पूरी, मतलब 45 मिनट्स लगते हैं अप्रॉक्स दूधसागर वाटरफॉल्स पहुंचने में, मगर ये 45 मिनट्स की जर्नी आपको पता भी नहीं लगेगी मतलब कैसे बीत गई। बीच में इतने सारे मतलब रिवर क्रॉसिंग्स आते हैं, मतलब टोटल 3 रिवर क्रॉसिंग आएंगे, मगर जब जब वो आएंगे ना ओ हो, तब तक इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और बीच में एक पॉइंट आता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गोवा के काजू बड़े फेमस है, वहाँ पे काजू के पेड़ लगे होते हैं, और एक जगह से प्रॉपर दूधसागर फॉल्स स्टार्टिंग से दिखता है। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है, कार आपको पार्किंग में उतारती है, वहाँ से 5-10 मिनट्स का ट्रैक होता है पूरा पत्थरों वाला, वाटरफॉल से होता हुआ, काफ़ी सारी रिवर क्रॉसिंग्स हैं, उनको क्रॉस करके तब आप पहुँचते हो दूधसागर वाटरफॉल्स। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है और मज़ा आ जाएगा जब आप निकलोगे ना। और इतने सारे फोटोजेनिक पॉइंट्स हैं, जगह जगह पर आपको रुक के अपना फोटो खिंचवाने का मन करेगा, इतनी अच्छी अच्छी रिवर क्रॉसिंग्स हैं। मगर इतना टाइम वेस्ट मत करना, ज़्यादा टाइम दूधसागर फॉल्स में स्पेंड करना। गाइस फाइनली आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ कार राइड हम पहुंच चुके हैं दूधसागर फॉल्स। अब ये छोटा सा ट्रैक है, मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट का ट्रैक होगा। भैया ने हमें गाड़ी नंबर बता दिया, उन्होंने बोला कि ये गाड़ी नंबर है, वापस यहीं पे आना और सीधा गाड़ी में आ जाना अपना, तुम्हारा जो गाड़ी का नंबर है। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 आवर्स हैं, आप लोगों को 1.5 आवर्स में जो इन्जॉय वगैरह करना है करो और जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, वरना वही जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो लग जाते हैं। तो देखते हैं बाकी वाटरफॉल चलते हैं आगे कैसा है वाटरफॉल। मतलब इस आधे किलोमीटर के ट्रैक में ना बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, और मतलब इतना सही सीनिक व्यू है ना गाइस, मतलब आई वुड से लाइक इफ यू आर कमिंग टू गोवा ज़रूर आना दूधसागर फॉल्स, अमेजिंग अमेजिंग। अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ बट मुझे वाइब आनी शुरू हो गई है कि मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। मतलब फटाफट पहुँचते हैं और सीधा आपको दिखाता हूँ दूधसागर फॉल्स। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ दूधसागर फॉल्स, मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, और वाटरफॉल की तो आवाज़ ही ऐसी होती है मतलब आवाज़ सुन के मज़ा आ जाएगा। देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको पूरा दूधसागर फॉल्स, मतलब वन ऑफ द अमेजिंग प्लेसेस आर रेंट। तो मैं तो ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर आएँ। तो आइए दूधसागर में नहाते हैं और देखते हैं क्या फील आता है, क्या मस्ती चल रही है, आगे चलते हैं और आगे। तो गाइस फाइनली हमारे 1.5 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे और हमारा वापस जाने का टाइम आ चुका था। मन तो नहीं कर रहा था वापस जाने का बट क्या कर सकते हैं, मैंने सोचा कि अब वापसी में दोबारा से वाटर क्रॉसिंग आई है तो इसको दोबारा से एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि इतनी अमेजिंग जर्नी थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने का। सब कुछ मन कर रहा था कि बस रिकॉर्ड कर लो, बटोर लो जितना बटोर सकते हो, मतलब बहुत सही, इट वॉज एन अमेजिंग जर्नी। तो गाइस फाइनली दूधसागर फॉल का एडवेंचर ख़त्म हो गया है, वापस आ गए हम
वही गाड़ी वाले भैया वापस लेके आ गए थे, तो अब कुछ बातें बता देता हूँ मैं आपको जो आपके लिए मतलब फ़ायदेमंद रहेंगी। मतलब वेन एवर यू कमिंग बैक फ्रॉम दूधसागर फॉल्स, तो बाई चांस जैसे आप वहाँ पे नहाते हैं फॉल्स के अंदर तो कपड़े वपड़े गीले हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे चेंजिंग का कोई इतना जुगाड़ है नहीं बढ़िया सा। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं जो गाड़ी वाले लेके जाते हैं ना वो मना नहीं करते, मतलब वहाँ से आने के बाद आप क्या कर सकते हैं उसी गाड़ी के अंदर गीले कपड़े पहन के बैठ जाओ। मतलब 40 वापसी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30-40 मिनट्स ही लगे थे, और यहाँ पे आके जहाँ से हमने टिकट ली थी ना वहीं पे आके उसके साथ में ही एक चेंजिंग रूम है, 10 रुपये लेता है वो चेंजिंग रूम के, और काफ़ी ज़्यादा साफ चेंजिंग रूम था, लेडीज़ के लिए भी है जेंट्स के लिए भी है, तो वहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं 10 रुपये दे के बहुत कम्फर्टेबली। वरना अगर आप दूधसागर फॉल्स पर चेंज करते हो काफ़ी हैसल हो सकता है फ्रेंड्स। मतलब जब आप दूधसागर फॉल्स से वापस आएंगे ना तो मतलब वहाँ पे चार पाँच घंटे तो मिनिमम लग जाएंगे वापस आने में, तो वापस आने के बाद भूख लग रही होगी बहुत ज़्यादा, तो मेरे को भी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने एक रेस्टोरेंट पर रुके, दुर्गा रेस्टोरेंट है, देखने में नॉर्मल है और मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ हाई फाई मिलेगा भी नहीं, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स ही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार बाहर से, खाना बहुत बढ़िया था इनके पास, हमने केरला परौंठा खाया, बटर चिकन खाया और चिकन फ्राइड राइस खाया, तो मतलब बहुत सही था, क्वांटिटी भी सही थी, प्राइसेस भी सही था। मैं आपको एक बार रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसको आने के लिए। मतलब मैं तो इसलिए बता रहा था कि ताकि भूख लगती है कहाँ ढूंढेंगे आप लोग के क्या खाना है, तो यहाँ जाइए बढ़िया खाना मिलेगा। तो ये जब सामने से आप दूधसागर फॉल से आ जाएंगे ना तो आपको वहाँ उतारेगी कार जहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ से बस ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, दिस इज़ दुर्गा रेस्टोरेंट कोलम गोवा, तो यहाँ पे आप आके खा सकते हैं, बढ़िया खाना है और कोई मतलब इतना हाई फाई रेस्टोरेंट यहाँ पे है भी नहीं। तो आज इस व्लॉग को कंक्लूड करते हैं, बहुत सही दिन रहा, एडवेंचरस था, हद से ज़्यादा मज़ा आया, ट्रैक भी हो गया, फॉल्स भी देख लिया, नहाए, खूब मज़ा आया, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो मैं तो ज़रूर रेकमेंड करूँगा अगर आप आते हैं तो एक दिन निकालिए, मतलब ऑलमोस्ट हाफ डे आपका ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ पे ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, ज़रूर आइए, मज़ा आ जाएगा, आप याद करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि दूधसागर फॉल्स जाना चाहिए। बाकी आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो इसको कंक्लूड करते हैं, अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं, लेके आता हूँ कोई अच्छा सा व्लॉग दोबारा से आपके लिए, बट अभी तो मैं गोवा में हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, गोवा के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना हो, दूधसागर के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर कॉमेंट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं यहीं पर ही हूँ अभी, तो कुछ भी कॉमेंट में, क्योंकि मैं ऑलरेडी होके आ चुका हूँ तो आपकी क्वेरीज मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कॉमेंट करें मुझे बताएँ तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।